हो गई आपकी पिक्चर और ये अवार्ड लेके जा रही हो, ये आपके लिए अवार्ड ले, हम ही रखें, चलो। हाँ एक फाइनल अवार्ड है, मेरा नंबर कब आएगा अवार्ड, मेरा नंबर कब आएगा? वो होता ना कि हर बार सोचते हैं मेरा नंबर कब आएगा, इसको भी मिल गया उसको भी मिल गया, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? ऑडियंस चॉइस से ये अवार्ड जाता है सलमान खान को। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, और स्पेशली ये जो अवार्ड जो अभी दिव्या ने और रमेश जी ने रिफ्यूज की, एंड आई एम ऑनर्ड, आई एम प्रिविलेज्ड, और आई थैंक माय होल फैमिली, एंड आई एम दिस इज टू ऑल यू गाइस, थैंक यू। कहां आप भी छोड़ के जा रही है मुझे? This is the reaction that I'm getting everywhere. Strange है कि आप सब, हम सब यहाँ पर आते हैं बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना बन के जाते हैं। इसीलिए हमने एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, बेस्ट ऑडियंस अवार्ड। प्लीज वेलकम रितेश देशमुख। Bow. Bow. Guys, I love how. Yeah. Yeah, I love how. तो पहला अवार्ड है, मैं यहां क्या कर रहा हूं? और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ही को चुना गया है, श्री रमेश तौरानी जी। प्लीज आइए, आइए ना। सर आपको अवार्ड मिल रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण अवार्ड है, आपको कैसा लग रहा है? दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड अवार्ड, यू नो। ये बताओ कि किस लिए दे रहे हैं अवार्ड? अरे सर वही ना कि वो ये कि यहाँ पर ऑडियंस के अवार्ड दे रहे हैं, और ऑडियंस का ये अवार्ड है कि मैं यहाँ पर बड़ी क्या कर रहा हूँ। ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड का अवार्ड है, फ्रेटर्निटी का अवार्ड है, अरे तो सब प्रोड्यूसरों को आना है यहाँ। रमेश जी आप नहीं समझोगे यार, बट रमेश जी इज वन ऑफ द मोस्ट। सर मुझे मेरा हक दे दो। कुर्सी मिली है सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सर आप बैठ सकते हैं। सर मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ सर, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूंगा, सिर्फ इसका थोड़ा सा हाइट अगर यहाँ पे होता है ना सर, तो वही टाइम है जब आप सलमान के साथ आता पाए किसी कटरीना के घर। मैं पाँव पड़ता हूँ आपके और मुझे माफ कर दीजिए। जोरदार तालियां द सुपरस्टार शाहरुख खान साहब। अरुण आप दो बार इस शो में आ चुके हैं और शो से आपको लगता है बहुत ज्यादा प्यार है, तो शो से प्यार है या रजत शर्मा जी से प्यार है, या बताने को बहुत सारा मसाला तैयार है? नहीं, पहले बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, सारे अतिथिगण, सारे दोस्त लोग, ऑल द डिग्निटरीज, एवरीवन, वंडरफुल टू हैव यू हियर, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और शो में आने का जो मेरा रीजन है वो एक ही है, रजत साहब और मेरी शुरुआत दिल्ली से तकरीबन सेम वक्त पर हुई थी टेलीविजन के ऊपर, तो जब भी हमारी फिल्मों में थोड़ी सी तकलीफ हुई, चली नहीं, कुछ नहीं हुई, तो हम इंडिया टीवी को फोन करके रजत साहब के कटघरे में आते, सर थोड़ा सा कर दो, प्रमोट कर दो पिक्चरों को, तो बहुत मदद की है इन्होंने मेरी, शुक्रिया सर। थैंक यू। नहीं मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने के लिए मैं अपने सीनियर को बुलाना चाहूंगा, जिनका कोर्ट कचहरी से ज्यादा वाकफा है,
मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं वहां पे। मैं राम जेठमलानी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त और सुपरस्टार, इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान भाई को बुलाना चाहूंगा। सलमान खान, सलमान जी आप तो होस्टिंग में खुद चैंपियन है और खूब बढ़िया कर रहे हैं, आप रजत जी को होस्टिंग में टिप क्या देना चाहेंगे आप? यार मेरा जो सिस्टम होस्टिंग का है वो थोड़ा सा अलग है, वो शायद मैं यहाँ पर कर नहीं पाऊंगा इतनी अच्छी तरह से, क्योंकि मैं सेट पर लेट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, जैकेट निकाल लेता हूँ, इस जैकेट के नीचे मैंने बनियान पहनी हुई है तो नहीं निकाल सकता इस वक्त। बट जो मेरा अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कार का जो एक तरीका है वो पूरे हिंदुस्तान को अंदर ले लेता है। हाँ, एक साथ सर मिलते थे हम लोग सर, और जितना आप इकट्ठा होते जा रहे हैं उतना मेरा डर बढ़ता जा रहा है। सर हम लोग बहुत मिलते थे पहले, गैलेक्सी में मिलते थे। आप दोनों को तब भी समझ सकता हूँ, ये थोड़े पढ़े लिखे भी हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री है ना कुछ। आमिर सीरियस कर रहा है तू? अच्छा मैं सवाल पूछ रहा था, आप जो है जब भी हम तीनों जो हैं दूसरे एक्टर्स की भी बात करते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में, कभी कभी सच मजाक में, अच्छाई में, बुराई में तो नहीं बोलते कभी, लेकिन आप जब भी हम तीनों से मिलते हैं तो आप सिर्फ हम तीनों के बारे में ही एक दूसरे से बात करते हैं, ये मैंने देखा है पूरे 21 साल के अंदर। बोलो बुराई में नहीं बोलते? हाँ क्यों बुराई में नहीं बोलते? तू बोला? हाँ वो तेरे लिए बोला था, अपने लिए नहीं बोला था, तू तो कभी नहीं करता ना बुराई किसी। मैं आप तीनों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ जनता को, सब लोग, आप तीनों के बारे में मीडिया में कुछ भी कहता हो, एक कॉम्पिटिशन है एक दूसरे के बारे में कहते हैं, लेकिन इन तीनों ने कभी भी एक दूसरे के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन तीनों ने कभी भी किसी के राज नहीं खोले, और इन तीनों ने प्राइवेटली हमेशा ये कहा कि हम दूसरे दोनों की बहुत इज्जत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, शायद जनता के सामने बात आनी चाहिए। और